हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए iOS का जो लेटेस्ट बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर iOS को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, प्लस यहाँ पर iOS का जो रॉम रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iOS का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए iOS को डाउनलोड कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर iOS का 12.1 का ऑफिशियल बिल्ड है Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर इस सबके साथ जो बाई डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर जी एप्स एंड वैनिला दोनों बिल्ड अवेलेबल है। यहाँ पर लेटेस्ट 5th जून का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट को ऐड किया गया है। यहाँ पर 4.14 का जो कर्नेल है ऐड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं iOS को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे, तो इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा बिफोर फ्लैशिंग एनी कस्टम रॉम। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस को जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, प्लस बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो किस तरह से बूट लोडर को अनलॉक करते, कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है। सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर लेटेस्ट TWR रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो है iOS को इंस्टॉल कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iOS 12.1 का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके iOS को डाउनलोड करना होगा Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए। सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। तो जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले। यहाँ पर स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पर सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ जो है बूट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं, यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को। अगर आप चाहो तो लेटेस्ट TWR रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर TWR रिकवरी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर रिकवरी जो बूट हो गया है, तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट होने के बाद सबसे पहले बैकअप में जाके कारेंट रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बाद में अगर आप चाहो तो रिस्टोर भी कर पाओगे। तो जो भी आप रॉम यूज कर रहे हो उस रॉम का बैकअप क्रिएट करो। कारेंट रॉम का बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पर वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डायल्विक डेटा कैश है, ये जो तीन ऑप्शन है सिलेक्ट करना होगा। सिंपली डायल्विक डेटा कैश है, ये जो तीन ऑप्शन है सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकेंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद अगर आप जी एप्स बिल्ड को फ्लैश करते हो तो आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करते हो तो आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करना होगा। यहाँ पर हमने जो है नॉर्मली अगर आप जी एप्स बिल्ड को फ्लैश करते हो आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। सिंपली इंस्टॉल में जाके जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। रॉम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ पर रॉम इंस्टॉल होने में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम इंस्टॉल होने के बाद सिंपली बैक आके वाइप में आके एडवांस वाइप में आके और फॉर्मेट डेटा में आके ये स्टेप करना होगा। तो यहाँ पर जो सिंपली वाइप में आके फॉर्मेट डेटा में आके ये स्टेप करना होगा। सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करना जरूरी है इस रॉम को फ्लैश करने के बाद। तो सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट डेटा करने के बाद यहाँ पर बैक आके रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। तो यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर रॉम को सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो पर iOS को इंस्टॉल कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। नाउ अगर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, हमने अपने इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। यहाँ पर
3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1120 का स्कोर देने को मिल गया है। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ 3D मार्क के ऊपर 1120 का स्कोर है। अगर बात करें Geekbench 5 के बारे में, यहाँ पर 535 सिंगल कोर ने यहाँ पर 1412 का स्कोर है मल्टी कोर के साथ Geekbench 5.4.4 के साथ। यहाँ पर Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर ने मल्टी कोर के साथ जो है कुछ इस तरह से स्कोर देने को मिल गया है। अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स क्या है 144, एवरेज है 137, मिनिमम है 119। यहाँ पर 91% का CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स CPU गया है पर 1.93 GHz तक। अगर बात करें पर कैमरा टेप के बारे में, यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर गूगल कैमरा काम करते हैं, जीकैम पर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। पर कैमरा टेप के ऊपर जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर कैमरा को भी काम कर जाएगा पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, ऐसे ऑप्शन है। तो यहाँ पर जीकैम को भी काम करते हैं, कैमरा को भी काम करते हैं, प्लस यहाँ पर गूगल कैमरा भी काम कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, काफी बेसिक से कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो जीकैम को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट और बात कर लेते फीचर्स के बारे में। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो है एनहांस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जो है बैटरी परसेंटेज देने को मिलेगा। तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज के साथ जो लगभग 7 आवर से 8 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। अगर आप 120 हर्ट्ज की यूज करोगे लगभग 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलता है। अगर बात करें साउंड के बारे में, यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन, टच साउंड का ऑप्शन है, यहाँ पर टच वाइब्रेशन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर वॉल्यूम पैनल को यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो। कुछ इस तरह से जो ऑप्शन है इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में वॉल्यूम पैनल देने को मिलेगा। यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। पर स्क्रीन शॉट का जो साउंड यहाँ पर बंद कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है, ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो रैपल एनिमेशन से ऐड किया गया है, तो पर फोन को अनलॉक करने के टाइम जो रैपल एनिमेशन से ऐड किया गया है, तो पर रैपल एनिमेशन को अगर चाहो तो बंद कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से रैपल एनिमेशन को बंद करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो जब भी आपके डिवाइस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन इसे एनेबल करने के बाद जो है लॉक स्क्रीन में डबल टैप करते ही डिवाइस जो है पर स्लिप ऑन में चला जाएगा। तो यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, तो यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें नाइट लाइट फीचर के बारे में, Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम करता है, यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस सरस पर आइटम्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शन से अवेलेबल है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में। यहाँ पर वॉलपेपर कलर बेसिक कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर थीम आइकन का ऑप्शन है, पर डार्क मोड का ऑप्शन है, पर ऐप ग्रिड का ऑप्शन है ऐड किया गया है, सिस्टम आइकन पैक का ऑप्शन है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का जो हाइलाइटिंग फीचर्स है, जो मॉनेंट UI का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12 के साथ, iOS के साथ, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी सर्विस के बारे में। यहाँ पर हमने एक्सेसिबिलिटी सर्विस के बारे में अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली एक्सेसिबिलिटी सर्विस के साथ जो है अपने नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सर्विस के ऊपर जो है एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, एंड ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम करते हैं Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, प्लस यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है एक्सेसिबिलिटी सर्विस के साथ। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सर्विस के साथ जो अपने नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर iOS के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ जो है एंड्रॉइड 12 के साथ फेस अनलॉक एंड यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर एज बिल्ड है
इनक्रिप्टेड बिल्ड है। अगर बात करें अगर फिंगरप्रिंट के बारे में, यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम करते काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट हमें यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते हैं इस बिल्ड के साथ। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बट यहाँ पर ऐप लॉक प्लस फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है iOS के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं प्राइवेसी के बारे में, यहाँ पर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था। एंड्रॉइड 12.1 के साथ जो है प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया है इस बिल्ड के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एंड यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो है सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डिवाइस सीरीज को ऐड किया गया है, यहाँ पर 60 Hz 120 Hz का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर DC डिमिंग का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। साउंड इनाइजर का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। साउंड इनाइजर के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अलग अलग हेडफोन टाइप का ऑप्शन है, अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर हाईफाई ऑडियो का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। पर साउंड इनाइजर का जो ऑप्शन है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है OTA अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर iOS के साथ जो है OTA अपडेट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें यहाँ पर गेशेस के बारे में, यहाँ पर गेशेस के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2-बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, पर 3-बटन नेविगेशन प्लस पर गेशेस नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस पर 1-हैंडेड मोड इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली पर नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके 1-हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है एनेबल कर सकते हो। प्लस पर शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर 1-हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है। यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ 1-हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, अब सिंपली इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली गेशेस के साथ जो स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप सिंपली गेशेस के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप जल्दी से फ्लैशलाइट को एनेबल करना चाहते हो जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सिंपली यहाँ पर जो है डबल प्रेस पावर बटन, यहाँ पर जो लॉन्ग प्रेस पावर बटन का ऑप्शन से हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस पावर बटन का जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके फ्लैशलाइट को एनेबल कर सकते हो। अगर आप जल्दी से फ्लैशलाइट को एनेबल करना चाहते हो जो ऑप्शन से काफी यूजफुल ऑप्शन है, यहाँ पर टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ एडवांस रिबूट का ऑप्शन इसे यहाँ पर पावर बटन के ऊपर जो है एडवांस रिबूट का ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर रिकवरी एंड बूटलॉडर को यहाँ पर जो बूट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर डबल टैप टू स्लीप का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च बार में डबल टैप करते आपका जो डिवाइस है स्लीप मोड में चला जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम की को लॉन्ग प्रेस करके गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर वॉल्यूम वेकअप का ऑप्शन है, तो वॉल्यूम वेकअप का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद सिंपली यहाँ पर पावर बटन के साथ जो फोन को वेकअप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। पर गेशेस के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर iOS के साथ जो है ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर काम कर जाएगा। पर ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, फ्लैश लाइट, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं। पर QR कोड को स्कैन करने के लिए जो टॉगल है ऐड किया गया है, यहाँ पर एंड्रॉइड 12 के साथ QR कोड को स्कैन करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर एक्स्ट्रा रिम का जो ऑप्शन से काम करते हैं, हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर लोकेशन भी काम करता है। प्लस यहाँ पर जो है फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर जो है वाईफाई एंड ब्लूटूथ का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ जो है हमने यहाँ पर वायरलेस हेडफोन को ट्राई किया है, यहाँ पर जो है ब्लूटूथ भी काम करते काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो है एडवांस रिबूट का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। अगर आपको एंड्रॉइड 12 का स्टेबल एक्सपीरियंस चाहिए रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर, तो ये जो iOS का जो बिल्ड है आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है, एंड ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर काम करते हैं इस बिल्ड के साथ। यहाँ पर GCam भी काम कर जाएगा इस बिल्ड के साथ, एंड यहाँ पर
जीएफ बिल्ट अवेलेबल है अगर आप चाहो तो, या फिर वैनिला बिल्ट को भी फ्लैश कर सकते हो। सिंपली आप रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट कस्टम रोम का जो वीडियो उसे आप चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पर एडोएस का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिल जाएगा, वहां पर जाके रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एडोएस को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर वैनिला प्लस जीएफ दोनों बिल्ड अवेलेबल है। यहाँ पर गूगल कंपनी काम करते काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर वॉल्टी काम कर जाएगा, वो वाईफाई भी काम करता है इस बिल्ड के साथ। एंड यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट इस बिल्ड के साथ काफी बढ़िया रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर काफी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है एडोएस के साथ रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एनीवे मिलते हैं इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आप जरूर से रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके डिफरेंट डिफरेंट कस्टम रोम का जो वीडियो है आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे मिलते हैं इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।